सहारनपुर से खबर, जहां एटीएस ने देवबंद से बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया है। छात्र के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी और फर्जी दस्तावेज मिले हैं। आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से जिहादी वीडियो भी मिले हैं। एटीएस ने बांग्लादेशी छात्र के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवाई। एटीएस कोर्ट से आरोपी छात्र की रिमांड की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक छात्र को पकड़ा गया है, एटीएस ने देवबंद से बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया है। और हमारे संवाददाता मुकेश इस वक्त और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। मुकेश, क्या एटीएस की तरफ से तैयारी की गई है, क्या आरोप है इस छात्र पर? देखिए अनु, मैं आपको बताऊं कि ये जो छात्र है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है और लगभग 5 सालों से यहाँ पर रह रहा था देवबंद दारुलूम में, और अरबी भाषा की जो है यहाँ पर शिक्षा ले रहा था। इसमें जो मालूम पड़ा, एटीएस को सूचना मिली किसी माध्यम से कि बांग्लादेशी छात्र अवैध रूप से यहाँ पर रह रहा है, जिसको लेकर के तो उन्होंने उसके पूछताछ के लिए अपने यहाँ पर बुलाया। पूछताछ पर जब इससे पूछा गया कि आपके पास क्या दस्तावेज है, तो इसने अपने बांग्लादेश के पास जो है वो सब दस्तावेज छुपाए। उसके बाद जब मालूम हुआ, एटीएस ने और जानकारी ली, तो इसकी जांच वांच की, तो इसके पर्स में बांग्लादेश के जो है डॉक्यूमेंट निकले और मेघालय का जो है, मेघालय की नागरिकता का, वहां से इसके पास से डॉक्यूमेंट निकला। तब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसको फिर हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद इसकी जो है काफी पूछताछ के बाद इसका यहाँ पर जो देवबंद थाना है उसमें इसके विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिया गया है और अदालत में इसको पेश कर दिया गया है। जी अनु जी, मुकेश, क्या शक है एटीएस को इस छात्र पर? क्या किसी से मिला हुआ है ये छात्र, या फिर क्या कुछ सामान इसके पास से बरामद हुआ है? कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बताए गए। देखिए, इसके मोबाइल की जब जांच की गई तो उसमें कुछ इस तरह के जिहाद की तरह के जो वीडियो थे वो इसके मोबाइल के अंदर पाए गए हैं, जिसको लेकर इससे कड़ाई से पूछताछ की गई। और जो दस्तावेज हैं वो ये इसने भारतीय दस्तावेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और ये भी जांच की जा रही है कि देवबंद में बनवाए गए हैं या कहाँ पर बनवाए गए, किस तरह से किन लोगों ने इसके साथ मिलकर के दस्तावेज बनाए हैं। जी मुकेश, बताया गया ये पिछले 5 सालों से यही रह रहा है, क्या और भी जहां पर ये रह रहा था उन लोगों से पूछताछ या फिर कुछ और इसके परिवार से जुड़ने की या उनसे संपर्क करने की कोशिश? देखिए, ये मूलतः तो बांग्लादेश का रहने वाला है, यहाँ पर दारुल उलूम का जो हॉस्टल है कमरा नंबर 61 उसमें ये रहता था। उसके अंदर ही जो और लोग छात्र हैं उनको बुला करके कुछ पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनसे कोई इस तरह की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली कि उनका कोई इसके साथ में किसी तरह का कोई तालमेल था। जी ठीक मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं, एटीएस ने देवबंद से एक बांग्लादेशी छात्र को पकड़ा है।